तो जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सुबह सुबह ये देखें कौन आया हुआ मिलकर। वाह वाह, ये कौन है? ओ बस बस, सांस की पहले तकलीफ है, सारी रात क्या बोलते हैं खांसी थी। तो चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना बिल्कुल मेरा मूड फ्रेश लग रहा है। पिज़्ज़ा? हाँ, तो भाई आज मूड इसलिए फ्रेश लग रहा है क्योंकि भाई बहुत सारी दिक्कतें जो है ना ये हमारा छोड़ के जाने की वजह से यूट्यूब के हो गई है। एक तो अभी कहीं नहीं, एक तो आपको पता होगा कि मेरा मीटर जला हुआ था, फिर उसके बाद जो है ना मैं गया था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि भाई चेंज करके दे दे, तो भाई मुफ्ती होता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं भाई हम आपसे लेंगे 12-13 हज़ार। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर वो नहीं आप पे कर सकते तो आप कोड लगवा के चले जाओ, तो ये आपका बिल कम आएगा। और वो कोड लगवाने के बाद पिछली दफ़ा आया मेरा 7,500 आया था, कोड नहीं लगवाया था, ठीक है। तो फिर जब मुझे सजेस्ट किया गया कि कोड लगवा लें आपका बिल कम आएगा, तो उसकी वजह से मेरा अभी आया 13,000 बिल। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं हुकूमत कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है हमको कि भाई 7,500 बिल आया था लेकिन हमें कोड नहीं लगा हुआ था, अब कोड लगवाया तो 13,000 बिल आया, ठीक है 13,000 बिल आ गया। मीटर मेरा चेंज नहीं हुआ, वही जला हुआ है, उन्होंने बोला था आप 3 महीने वेट कर लो इंशाल्लाह आपको चेंज करके देंगे, लेकिन वो 3 महीने यही यूँ वेट करना पड़ेगा कि 15,000-20,000 जितना भी बिल आ जाए मुझे पे करना होगा। तो फिलहाल वो था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि अगर ब्लॉग बनाता रहता तो इस 25 को मेरी सैलरी निकल आती, तो वो भी गई, ठीक है। तो बहुत सारे मसले मसाइल हो गए, तो अभी हमने कहा कि भाई अपनी तबीयत वबीयत सेट करो, सेट नहीं किया तो उसको भी सेट करो और जल्दी जल्दी ब्लॉग शूट करो। तो फिलहाल जल्दी जल्दी नाश्ता कर दें, और नाश्ते में आज है हमारे पास शाही दाल, और ये अनाया है जो आज स्कूल नहीं गई, सारी रात इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको सांस की तकलीफ थी। ये है टमाटर प्याज लाल मिर्च, और यहाँ जी है ना टमाटर और प्याज की चटनी, और साथ में हल्की सी लाल मिर्च है, यूनी के ज़्यादा हल्की लाल सी नहीं है, सब्ज लाल है। अच्छा सब्ज़ वाली लाल जो होती है, अच्छा अच्छा। तो ये कूट के इन्होंने चटनी बनाई हुई है, साथ में थोड़ी सी लस्सी, और ये यहाँ बैठी हुई है। तो जल्दी जल्दी ये करते हैं, इसकी भी दवाई ले आया था रात, और इसने पी है दवाई, पी है दो दफा। चले माशाल्लाह, तो चले अभी मैं नाश्ता करूं, फिर उसके बाद मिलते हैं। सांस की तकलीफ है ना इसको, ठंडा आ गई तो सांस शुरू हो गया, किसी काम की नहीं हो। बस 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 बस, कितनी बार ऐसे हाथ हाथ रखते, हाँ ऐसे गुड गर्ल। मैंने इस रूम की जो सफाई है पूरी कंप्लीट कर ली है, पता नहीं ये बीच में क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो बीच में? लेकिन ये है चटनी जो थी ना टमाटर वाली, एकदम जबरदस्त मजे की थी। मजे की, तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, एक तो मैं ऐसी बातों पे थोड़ा सा कम यकीन करता हूँ, कम क्या, मुझे सब ये वहाँ भी बोलते थे मेरी इवन वाइफ अब्बू सब ये जितने भी हैं सराउंडिंग वाले, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बहुत कम यकीन करता हूँ। और एक दफा मैं अब्बू के दोस्त के पास भी गया था, रुक के बात करो, हाँ खानपुर के, उन्होंने भी बोला था कि भैया आपके ऊपर ना वो थोड़े से असरात वसरात चल रहे हैं, तो अपना इलाज करवाना, यानी दम दरूद करवाना, लेकिन मैंने वो बात नहीं मानी, ठीक है। तो अभी जब मैं फ्रिज लेके आया हूँ ना, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ फ्रिज लेके आई हूँ तो मेरे लिए बड़े मसले मसाइल होंगे, भाई मैं फ्रिज लेके आया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ कि खुद दुनिया जहाँ से मैं कट ऑफ हो गया हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं रातों को मुझे नींद नहीं आती, दिन को क्या बोलते हैं यूँ होता है कि दिन को मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, 8 बजे मैं उड़ जाता हूँ, ठीक है। कभी अबू बकर को छोड़ आया, कभी नहीं छोड़ा, कोई सीन ऐसा हो गया कि रातों को सारी रात में जितना भी कोशिश करूँ एक तो नींद नहीं आती, एक बिजली का सीन हो गया। फिर यूँ है कि मैं जब भी बोलता हूँ कि मैं अभी ब्लॉग शूट करूँगा, कि कोई काम जा रहा हूँ, ये काम जा रहा हूँ भाई, इसमें कुछ पता हो जाए, तो क्या होता है मुझे उसी टाइम चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैं ऐसे कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं कहता हूँ मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ यहाँ, जो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा लेटता हूँ, लेटते लेटते ही मैं ऐसा लेटता हूँ ना
कि 6-6 घंटे ही मैं लेटा ही रहता हूँ, मुझे होश ही नहीं होता। तो ये सीन चल रहा है भाई, तो समझ से बाहर है क्या हो रहा है। यानी जो भी चीज़ में मैं जाना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ तो नहीं हो पा रहा। अभी जैसे मैं गया था, मैंने बहुत सारे इश्यूज ऐसे चल रहे हैं तो मैं बता नहीं सकता। रात को ऐसे सोने के टाइम ये वो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं बयान भी नहीं कर सकता, और मैं कैसे बयान करूँ, समझ से भी बाहर है। तो अभी देखें इंशाल्लाह जाते हैं क्या है। मौलवी साहब है, उस किताब देख के, सितारे वगैरह देख के, तो पहले काफ़ी दफ़े लोग जाते थे। मैं तो एक चीज़ इन पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी बहुत कम है, तो लेकिन इंशाल्लाह अभी जाते हैं वहाँ, जाके पता करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने बोला और क्या नहीं बोला। तुम बताओ मेरे कमरे की सेटिंग अच्छी है? ये न्यू अलमारी इधर से खड़ी है यार, समझ से बाहर है। ये अलमारी किसने दी है? वो बेड है, वो पुराने वाली, वो पुराने वाली इधर रख दी है। वो किसकी है? मेरी है। हाँ, कौन सी तुम्हारी है? मेरी है। अरे अलमारी से तो छोटी हो, भी देखे पाँव ऊपर की हुई तुमने, छोटी हो। ये देखो, ये देखो, एक मिनट खड़ी हो, खड़ी हो, सीधी सीधे खड़ी हो। ये देखो इधर भी नहीं आ रही आप, नहीं उठा के, नहीं ना ऐसे ऊपर हो जाओ, फिर तुम्हारी होगी अलमारी। अभी आप वो तो दरवाजा खोलो, बेचारी पुरानी हो गई है। वो ऊपर वाला दरवाजा खोलो, एक वो देखो, वो देखो, हाँ खोलो ऊपर, ऊपर वाला। नहीं नहीं ऊपर मत चलना, खोलो। ये आपकी कहा से हुई? आप देखो, आइडिया आइडिया आइडिया। हाँ बस बस, मुझे पता है कुछ ना कुछ ले आओगी। नहीं नहीं बस बस ठीक है, हो गई आपकी आपकी। ये अभी जाएगी भी वहां से उसको, ये देखो, बस रहने दो, बस बस बाबा, बस 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 बाबा, बस। मेरी चीजें खोलने खोलती है नहीं, मेरी चीजें। जी जी बसरा में एक है, खादा नहीं भी तू खुद मारा है ना, छोड़े रात नून रूला हम देना जी। तो चलें भैया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं होके आ गया वहाँ से, और वो जो जो बंदा था ना उससे, तो उसने कहा कि भाई बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, फलानी चीज़ लिया फलानी चीज़ लिया, और इंशाल्लाह आपको तबीयत बना के देंगे। वो पहनो, वही बात है, मेरा दिल डगमगाया और मैं उठ के आ गया, तो ना चीज़ें लेके दी ना कुछ, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन बातें उसने सच सच बोली, बोले इस साइड पे दर्द होता है, मैंने कहा होता है, बोले टांग में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती, घबराहट सी रह जाती है। वो यानी जिस जो जो चीज़ें बताता रहे ना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ नाम अपना बताया और अम्मी का नाम बताया, तो उसने जो जो भी चीज़ बताई ना एग्जैक्ट सेम और बिल्कुल सही, और बंदा भी अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों ऐसे उठ गया आ गया, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। तो तवील शवील नहीं लिया अभी फिलहाल, देखते हैं एक दो दिन फिर, वरना उसके बाद फिर इंशाल्लाह जाएंगे और भी काफ़ी सारी बातें बताएंगे। लेकिन फिर कुछ चीज़ें राज ही राज होती है ना, वो रात में ही रहने देते हैं। चले अल्लाह करम करेगा, फिलहाल जो है ना अबू बकर भी आ गया, ये देखे आते ही इसने मोबाइल उठा लिया। ए रख दो अब, सो जाओ थोड़ी देर, फिर ट्यूशन जाना है। हाँ भाई सलाम करो। स्कूल किसके साथ गए थे? हाँ अच्छा, और दिन कैसा रहा? दद्दी का पूछा था किसी ने? किसने? सर ने? फिर क्या बोला आपने? हाँ फिर आपने क्या बोला? घर है, कल आएगी। अच्छा कल आएगी, ये नहीं पूछा बोला कि भाई उसकी तबीयत खराब थी? तबीयत खराब का नहीं बोला? अच्छा चलो सही है भाई, हाँ आज चलते हैं, छोटे कराते हैं, जाओ ये साथ वाले से करा के ना भाई, ये साथ वाले के बाद ये भी नहीं जाता, लख रहे हैं इसको। अच्छा चलो चलते हैं। तो चले भाई अभी थोड़ी देर तक मैं जाता हूँ, आसिम भाई को वैसे बोल के आया था, मैंने कहा था बिल जो है ना पे कर देना, मैं आपको जो है ना पेमेंट ला के दे देता हूँ, 13,500 उनको चल के देते हैं और वो पेमेंट करेंगे,
और उसके अलावा क्या बोलते हैं, आज स्कूल की फीस भी पे करनी है भाई कब से कल। कल तो इवन सर का मैसेज आ गया कि भाई लाजमी जो है ना, क्या बोलते हैं, पैसे जो है ना लेके आना, फीस लाजमी जमा कराओ। तो वो भी फीस भी जमा कराते हैं। अच्छा, ग्रोसरी के भी आसिम भाई को जमा कराते हैं, क्योंकि 8-10 हज़ार उधर बना हुआ है, 8-10 हज़ार इस शॉप वाले का बना हुआ है। तो ऐसे कर चल के ना ये सारा जमा कराते हैं और फ्री होते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि भाई मैं खुद घर में पड़ा हुआ हूँ और ये लोड ऊपर से ज़्यादा का ज़्यादा होता जा रहा है। तो बस अभी चलते हैं, चल के ये जमा कराते हैं। हाँ भाई, गोलू कहाँ जा रही हो तैयार हो के, कहाँ जा रही हो, घूमने फिरने जा रही हो, चलो जाओ जाओ। भाई कौन आया हुआ है ये, भैया ब्यूटी है, सो गई थी तो ब्यूटी, कौन आया हुआ है, कौन है, हाँ कौन आया हुआ है, जाओ मिलो, जाओ 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 जाओ, भाग के मिलो, जाओ जाओ, कौन है, कौन आया हुआ है, जाओ मिल लो, अच्छा मिल लो, जाओ कौन है दादा, मैं आया चुमा पे आवे, तो चले भाई ये दोनों मिल लिया इन्होंने। तो चाचू आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह शीट शूट करवाने देखे, चाचू कहाँ आते हैं और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सामान लेना था, तो मुझे कहा कि भाई आपका खाता है तो ले दो, तो मैंने चाचू को वो भी ले लिया, ये रहा वो सामान। तो थोड़ा सा राशन था और बाकी चाचू शेप शूट करवाने आए थे, अच्छत बनवाने आए थे, देखिए कितनी दूर आती है चाचू। तो चले फिलहाल जो है साथ के साथ और भी आपको दिखाते जाएंगे, फिलहाल जो है ना हम कैमरा ऑफ करते हैं। सामान रह गया था और अभी अबू बकर, क्या ये कहाँ से मिली है, अच्छा चलो रखो इधर साबुन, साबुन रखो, साबुन अंदर रखो, इधर नहीं, ऐसे ही खुशबू आ जाएगी। चाबी तो बाहर निकालो, ये तुम्हारी बाइक की है, वो एक मिनट खड़े हो जाने बाद के बच्चे। तो ये देखे माशाल्लाह भाई अबू बकर जो है ना, हाँ बाल चाल बनवा के आ गया, और भाई आपका भाई भी बिल्कुल फिट एंड फाइन बन के आ गया। बाकी ये रह गई है, इसके भी इंशाल्लाह कटवाएंगे, भूत नहीं गएगी ना। तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन बन के आ गया। और भाई आज ताहिर भाई जो है ना, काफ़ी जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, ताहिर भाई पहले हमारी शॉप में जिन जो बार बार थे ना, वो अभी आके यहाँ न्यू जगह पे शॉप लगाई है बेचारे ने, क्योंकि उनके साथ मसला हो गया था, वो जा रहे थे सऊदी और उनके साथ धोखा हो गया था, इसको क्या हो गया, तो अभी उन्होंने शॉप लगाई तो मुझे पता चला है, तो मैंने कहा भाई जाते हैं उसके पास, क्योंकि काफ़ी आपने पुराने पुराने 2021-22 वाले ब्लॉग में आप देख रहा होगा कि मैं उनसे बनवाता था पुराने ब्लॉग से, मैं भी और जब भी बाबर लोग आते थे तब वो भी उनसे ही बनवाते थे, तो उनसे ही बनवाइए। फिर वो उन्होंने कहा अभी मुझे बाइक काम आती है, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा ले जाएं आप बाइक को। अभी हम जा रहे हैं दो बाप बेटी, यहाँ से थोड़ा सा काम है वो करके आते हैं। थोड़े से हमने मटर भी लिए हैं, एक आलू भी लिए हैं, जो बच्चों को पसंद है ना आलू, बहुत बच्चे खाते हैं, मैंने सोचा थोड़े से आलू भी डाल दूँ, थोड़े से मटर भी डाल दूँ, मटरों वाला पुलाव बनाएंगे। साथ मैंने रख दिए लहसुन, लहसुन अभी लहसुन के बाद ये रहा हमारा टमाटर, ये रही हरी मिर्च, और जो होगा साथ में वो दिखाएंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची डाल दिए मैंने, अभी हम डालने लगे हैं टमाटर, टमाटर मैंने ऐड कर दिया, और डाल दिए
सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। मैं लास्ट में सोचूंगी हल्दी, नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च हम कम डालते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए भी डालती हूँ। अभी मैंने डाल दिए लाल मिर्च, हल्दी, अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है, आलू की, मटर की, और एक कटोरा चावलों का था, दो कटोरे हमने पानी डाल दिया इसमें। इसको ढक्कन देती हूँ, ढक्कन दे के मेरा पानी उबल चुका है। मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल, और मैं ये डालूँगी चावल। मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, आधी चम्मच। अभी है इसकी बारी, इसको मैं ना थोड़ा सा पानी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। जो है ना माशाल्लाह से हमारे चावल बन रहे हैं आज। कुछ नहीं बन रहा चावल, तो ये है चावल यहाँ रहे। तो वाइफ ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल है ख़राब, बार बार ये हो रहा था। मैं गया हुआ था थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा काम था, शेव शुभ करा के आया ना, तो दोस्त आ गए थे उनसे मिला। तो अभी जा रहा हूँ मैं दही लेने, चटनी बनानी है भाई, चटनी के साथ मज़ा आएगा। अरे भाई वाइफ तो बोल रही है नहीं खाने, क्यों नहीं खाना? मुझे पसंद नहीं है आजकल, मुझे पुलाव भी नहीं पसंद। तो फिर मत बनाती पुलाव, सालन बना लेती। तुम तो बोले। मैं तो बोल रहा था, मैं तो ऐसे। भाई आपने चावल खाने? मैंने मिर्चा खाना। मिर्चे खानी है? अल्लाह अकबर। मैंने क्या खानी है? क्या खानी है? मैंने प्लेट खानी है। फ्रिज खा लो। वाह जी वाह। तो चले भैया अभी मैं देखता हूँ। मैं क्या खाना? हाँ क्या खाना है? प्लेटें खानी है। मैं जूस पीना है। हाँ जूस पियो, ये अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह दही ले ली हम दोनों ने। हाँ भाई अब बताओ क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी हैप्पी बर्थडे, मुझे गिना देना। जब आपकी हैप्पी बर्थडे होगी फिर क्या ले दूँ आपको? टू यू। फिर केक ले दूं? हाँ, केक दे। तो अभी ये लेज किस खुशी में लिए? लेज में ना। हाँ? पतली केक। स्कूल के लिए? हाँ। ये इतनी बड़ी, आपसे बड़ी लेज है ये तो। अच्छा कल खाओगी, चलो ठीक है बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी घर पहुंच गए दही लेके, और यहाँ जो है ना वाइफ ने चावल चावल भी डाले। और भाई एक और बात, धनिया लेना भूल गया। चले अब मिर्चों वाली ठीक है ना, सब मिर्च वो भी नहीं जाऊँ भाई, अभी रहने देते हैं। गया भी हूँ बस अनाया साथ ही भूल गया। पापा जी कटोला नहीं कटोला। कटोला क्या कर लोगी? अभी आप खा लेंगे पुदीने वाली। चले इंशाल्लाह फिर पुदीने वाली कभी खाएंगे इंशाल्लाह। कभी कभी मौका मिले, कभी कभी। चलो ठीक है भैया, स्कूल लेके जाएगी पापड़ इसमें। सही है भाई सही है भैया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आज कम है, और यहाँ जो है ना पुलाव भी रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बताना कैसा करना। मज़े कहें मज़े कहें। इतनी तेज़ मिर्चें थी ना मुझे पता ही नहीं था, तो अभी इसमें थोड़ी सी दही और डाली है, नमक फिर ज़्यादा ऐड किया, और यहाँ जो है ना हमारे चावल जो है ना पुलाव दम पे लगा हुआ है। तो जल्दी जल्दी अब मैं जाता हूँ, पानी जो है ना मुझे भरना है, इसको उठा के इसमें डालना है जो मैंने अभी डाल लिया है। तो जल्दी जल्दी जाता हूँ, क्योंकि ये देखिए अभी डाला है इसमें। तो भाई अभी जो है ना हमारे यहाँ का फ़िल्टर भी ख़राब हो गया है, फ़िल्टर का पानी बहुत ज़बरदस्त था ये, अभी जो है ना हम नलके से भर के ले गए थे कल मैं और अभी भाई, तो क्या बता। और बाइक आज भी हमारी नहीं है, तो वो ताहिर भाई जो है ना, मैं जैसे ही गया हूँ तो बोला यार आज मैं ढूंढ रहा था कोई बंदा जो बाइक दे, मैंने कहा यार मेरी ले जाओ,
तो उनके बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। तो बाइक को कभी भैया अहमियत ही नहीं दी, वरना अगर ये बाइक को मैं अहमियत देता तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होती। तो जो भी आता है मांगते हैं, मैं कहता हूँ यार दिल को नहीं लगता हो कि मना करूँ ये वो, तो इस वजह से। तो चले इट्स ओके, कोई बात नहीं, मजबूरी में किसी के काम आना चाहिए। फिलहाल जो है ना वेट कर रही है अभी चावलों का, जैसे बनेंगे रेडी होके फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ओ भाई ठंडे करके खाना, आई 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 ठंडे करके खाना, बोल भी रहा हूँ, ड्रामे देखे अब इसके। हेलो यहाँ मेरे भी गर्मा गर्म जो है ना चावल आ गए, और साथ में जो है ना चटनी आ गई, और ये साथ में गोलू आ गई। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं खाना, और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी खा के फिर मुझे जाना है, क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना वो वेट कर रहे होंगे, तो वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है। तो एक दो दिन से मैंने सोचा हुआ है कि भाई जाके थोड़ा सा बैठ जाया करूँ बाहर, क्योंकि सारा दिन घर या बाहर ये कामों में तो अपने आप को कुछ टाइम ही नहीं दे पा रहा, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा बाहर जाऊँ दोस्तों के साथ, थोड़ा सा जो है ना फील अच्छा होगा। तो अभी जल्दी जल्दी ये खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। बताओ कैसे बने चावल? एकदम ज़बरदस्त बने, लेकिन जो मैंने चटनी बनाई है ना वो क्या बताऊँ आपको भाई, दो से तीन 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 से डाली थी ना। हाँ तीन मिर्चें डाली, तीन मिर्चें सब डाली थी, इतना कोई मैंने बोला है ना वो जो छोटी मिर्ची होती है वो बहुत वो छोटी वाली तो डाली होती है, दूसरी जो बड़ी थी वो डाली है, तीन डाली थी इतनी। इसमें नमक डाल थक गया, थोड़ा सा पानी डाला, दही और डाली, अभी भी मिर्ची डाली। कैसे है गोलू? मजे के। हाँ और वो बकर उधर बैठे, हाँ वो बोल रहे मजे के, अच्छा खाओ खाओ मजे करो इंजॉय करो। आप भी खाएं, आप भी खाएं। हाँ आप भी खाएं, आप भी खाती हूँ, तुम खा लो मेरी खैर है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वॉक कर रहे हैं कुछ थोड़ी सी, क्योंकि दोस्तों के पास जाना था, तो अभी चल के जा रहे हैं वापस घर की तरफ।